हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हो गया आपका थर्सडे, बृहस्पतिवार। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं, डुगू रेडी हो गया है। ये देखिए इसके हाथ में क्या है, क्या है आपके हाथ में? ग्लूकोन डी पी रहा है गाइस, इतना गर्मी पड़ रहा है इसके वजह से उसको सुबह शाम दोपहर जब टाइम मिल जाता है वो ग्लूकोज पी लेता है थोड़ा थोड़ा लेके। और गाइस देखिए, दो दो डब्बा रखा हुआ है, खाली डब्बा पानी लाने जाने के लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो 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 चलो, वैसे ये रहे अपने प्लांट्स। कोयल हो गया तो जा दवाई ले लो, जा दवाई ले लो जा। तो गाइस आज इसे स्कूल में जाके इसके क्लास टीचर को बोलना है। ये देखिए कैसे कैसे आवाज निकल रहा है। इसके क्लास टीचर को बोलेंगे कि ये मेरे को पापा को भी पागल बोलता है, मम्मी को भी पागल बोलता है। ये भगवान क्या जुलूम है ये ऐना में देख देख के कैसे कैसा कैसा ये कर रहा है। तो गाइस डुगू गया था स्कूल, अब हम जा रहे दवाई लेने के लिए। निकली आया और दवाई का दुकान बंद है। यहाँ पे किसी का डेथ हो गया था जिसकी वजह से पूरा मार्केट बंद है आज। ये देखिए पूरा सारा दुकान सब बंद है। चलते हैं अब, क्या करेंगे दवाई के लिए। अब कल आना पड़ेगा क्योंकि इसका दुकान चलते हैं, उसका दुकान दवाई लेते नहीं है। तो अभी चलते हैं और पानी लेके ऑफिस का तैयारी करते हैं। गाइस 8:30 बज गए, हमको डुगू के स्कूल भी जाना। बताइए हम एक साथ कितना सारा काम करें। पापा पानी लेके आ गए, ये एक हेल्प हुआ मेरा। इतना उम्र हो गया उनका, उनको से उनसे काम करवाने में भी हमको टेंशन हो जाता है। तो पानी वो लेके आ गए, अपने जीत के आ गए, किसी का नहीं सुनते हैं। वेलकम बैक टू माय होम ऑफिस ब्लॉग। गाइस अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी और हम 10 बजे से पहले आज ऑफिस पहुँच गए। कैन यू इमेजिन कितना ये है। और डुगू का स्कूल जा नहीं पाए गाइस, इसीलिए जल्दी आ गए। वाइफ गुस्सा हो गई कि आप घर पे ही रहिए, अपना ही काम कीजिए, मेरे बेटा को मत देखिए। मेरे पास कोई और रास्ता है स्कूल उसका जाना जरूरी है क्योंकि बीच बीच में स्कूल जाते रहने से अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो गाइस कल हो सके तो 100% उसको स्कूल जाएंगे। स्कूल के बारे में सारा पता करके आएंगे, उसके एग्जाम के बारे में। तो गाइस चलते हैं ऑफिस। तो गाइस अभी 10:35 टाइम हुआ और लंबा चौड़ा काम लेके निकल गए, तीन तीन जगह का। फर्स्ट जाना है न्यू अलीपुर से साउथ सिटी मॉल की तरफ, फिर वहाँ से आगे बालीगंज प्लेस, फिर हिंदुस्तान पार्क। तो गाइस लंबा चौड़ा काम है, इस धूप में करने में आज फटने वाला है मेरा। तो गाइस चलते फटाफट कर लेते हैं काम सारा। काम हो गया है अलीपुर, न्यू अलीपुर का। और सर को फ़ोन करके पूछे, सर बोलते इतना जल्दी तुम पहुंच गया। बोले सर तो कहाँ जाना बताइए। तो यहाँ से बालीगंज प्लेस जाने का बात था, बट बालीगंज प्लेस नहीं जाके बोले सर हिंदुस्तान पार्क चले जाओ। तो गाइस पहले आप हिंदुस्तान पार्क का करेंगे, उसके बाद। और ये न्यू अलीपुर का इलाका है, देख लीजिए। न्यू अलीपुर का काम करके हिंदुस्तान पार्क में आ गए। ये हिंदुस्तान पार्क का इलाका है, बहुत ही प्योर बंगाली लोग का इलाका है ये। और गाइस यहाँ आते ही क्या देखने को मिला पता है? मैं तो गेट खोल के अंदर अचानक से घुस गया था। और ये देखिए सोया हुआ है, ये देखिए गाइस दिख रहा है आपको। और सडनली मेरे ऊपर आके एकदम अटैक कर दिया है, तो गेट बंद कर ली, नहीं तो आज मैं हम शहीद हो गए थे। तो गाइस ठीक है, अब यहाँ का काम करते हैं, करके निकलते फिर बालीगंज प्लेस चलेंगे, वहाँ का काम करके फिर ऑफिस। बालीगंज प्लेस हिंदुस्तान पार्क में जिस काम के लिए आए हैं वो काम हुआ नहीं क्योंकि आदमी है नहीं। तो गाइस ये देखिए पेड़ सब सूखते जा रहा है, तो पानी देने वाला कोई नहीं है। तो गाइस चलते हैं, अपना पीने का पानी ही इसमें थोड़ा डाल देते हैं। ये गाइस नीम का पेड़ है, ये जामुन का, ये देखिए गाइस अपना बोतल खाली। देखते हैं कितना देर वेट करना पड़ेगा, बोले इनका पेड़ के नीचे वेट कीजिए छांव में। तो गाइस 1:17 टाइम हुआ और अभी जाके मेरा यहाँ सारा काम कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी भैया फ़ोन करके बोले कि लॉर्ड सिन्हा रोड में भी काम है, तो अभी यहाँ से लॉर्ड सिन्हा रोड जाएंगे। लॉर्ड सिन्हा रोड का काम कब ख़त्म होगा पता नहीं गाइस, और भूख के मारे मेरा पेट में चूहा कुदक रहा है। तो गाइस फटाफट चलते हैं लॉर्ड सिन्हा रोड का काम करके फिर ऑफिस निकलेंगे। 2:05 टाइम हुआ, मेरा सारा काम हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जाम देखिए कितना भयंकर लगा हुआ है, एकदम स्कूल का छुट्टी हुआ है, इतना भयंकर जाम लगा। तो गाइस फटाफट अब ऑफिस चलते हैं।
2:23 टाइम हो गया, हम सारा काम करके ऑफिस आ गए हैं। अब जैसे लंच करने के लिए घूमने ले लिए हैं, चलेंगे मस्त लंच करेंगे। 2:30 गया है, देखते उसका कहाँ काम मिलता है। तो वही से अगर मुझे बता रहा था मेरी मम्मी इतना प्यार से इतना अच्छा खाना बनाएंगे ठीक है, तो हम बेगाड़ में घूमने नहीं लेने जाते। गाइस देखिए मम्मी क्या दी है, पूरी अचार आलू का सब्जी विच इज़ माई वेरी फेवरेट। तो इतना डिलीशियस है ना गाइस, मैं आपको बोल नहीं सकता, बेकार है, मैं घुगनी लेके आ गया। तो गाइस कोई नहीं, माँ के हाथ का खाना किसी को ना खिलाना, सिर्फ खुद खाना, सब फटाफट खाते हैं। तो गाइस आज मेरा शोल्डर फिर से जाने वाला है, शोल्डर ख़राब हो जाएगा आज, क्योंकि इसको लेके जा रहे हैं गाड़ी में बैठा के। देखिए ये माँ से मेरे साथ जा रहे हैं और ये गाड़ी पे बैठता है कि मेरा शोल्डर का बैंड बच जाता है, एकदम ऐसे के पकड़ के बैठता है ऐसे। तो इसको लेके जा रहे हैं गाइस चांदनी में, इसको उतार देंगे। चांदनी के साइड का काम मिला है, मेरे को मिला है लॉर्ड सीना रोड का, तो चांदनी में इसको उतार देंगे, उधर से ये अपना काम करके ऑफिस आ जाएगा और हम चले जाएंगे लॉर्ड सीना रोड। तो गाइस फटाफट चलते हैं करके आते हैं, अभी जस्ट लंच करके निकलते हैं। गाइस फाइनली 3:50 में काम कंप्लीट हुआ, हम दो काम लेके निकले थे, बाहरी आओ को चांदनी उतार दिए थे और हम धमतल्ला का काम करके फिर लॉर्ड सीना रोड आ गए एक साइड मोड। यहाँ से काम खत्म हुआ है, 4:00 में बस में बैठी है, गाइस ऑफिस चलते हैं, अब शरीर नहीं चल रहा है, सुबह से निकले हुए हैं ना। जैसे लंच के रूट वैसे सर बोलते बंगाली आओ को लेकर जाओ, बंगाली आओ को ड्रॉप कर देना, हम उधर से काम पर निकल जाएंगे। तो गाइस 4:05 टाइम हो गया है और हम ऑफिस पहुंच गए हैं। अब देखना यह है कि बंगाली आए कि चांदनी से। तो गाइस 5:30 बज गया शाम का, अभी हमको काम मिला है चांदनी का, चांदनी से काम मिल के भैया बोले उधर से घर चला जाना। 5:45 हो गया और यहाँ का काम कंप्लीट हो गया, ये चांदनी का इलाका है। और गाइस अब घर चलते हैं, देखते कितने देर में घर पहुँचेंगे। कल सोचे थे कि आज जल्दी छुट्टी लेंगे, कल छुट्टी नहीं मिला था तो आज भी ले नहीं पाए। तो गाइज फटाफट घर चलते हैं। वेलकम बैक टू होम ब्लॉग। और गाइज आज 6:30 ऑफिस से पहुंच गए घर, क्योंकि एज यू नो कि एक जगह चांदनी काम पे गया था, चांदनी से डायरेक्ट ऑफिस ही आया। और ये देखिए मिलिए मेरे छोटे पुत्र से, ये देखिए मस्त सोया हुआ एकदम गाल पे हाथ रख के। और पुचू से मिलाते हैं आपको, ये क्या खा रही हो पुचू, क्या खा रही हो, क्या खा रही हो, जलेबी। गाइस जलेबी खा रही है, अभी उसके लिए जलेबी लेके आया डुगू के लिए, देखिए लेके बैठ गया डुगू, क्या करा दिखाते हैं आपको। टाइम देख सकते हैं 7:45 बज रहा है, 8:50 बचा हुआ है और अभी हम दुकान पहुंचे हैं। एक्चुअल में डॉक्टर के पास चले गए थे, डॉक्टर का खुद इतना मेहनत होता है इसको, खुद को भी ठीक रखना जरूरी रहता है। दवाई लेके आया डॉक्टर के पास से, हम होम्योपैथी दिखाते हैं, एलोपैथी नहीं दिखाते, तो दवाई लेने में लेट टाइम लग गया। तो कोई नहीं, गए तो दुकानदारी स्टार्ट करते फटाफट। आज का दिन इतना हैक्टिक था कि क्या बताऊँ मैं 8:30 सडनली वाइफ फ़ोन की कि छोटा वाला बेटा का तबीयत खराब हो गया, जल्दी से आइए। तो गाइज हम ब्लॉग भी नहीं कर पाए, जैसे तैसे दौड़ते हुए गए बेटा को देखने के लिए। तो माँ माँ होती है कि मम्मी, मतलब मेरे बेटे की दादी है मेरी मम्मी, तो वो थोड़ा सा जो अपने में होता है थोड़ा सा भगवान के पास उसका पानी वानी दी तो ठीक हो गया। तो फिर मैं दुकान आया, वो कस्टमर फ़ोन किया था कि हाँ भाई जल्दी काम है, तो भाई दुकान आया तो थोड़ा 200 रुपया काम हुआ। तो अभी देखिए गाइस कितना टाइम हो रहा है, 11:05 बाकी है और अभी हम घर जा रहे हैं। तो गाइस डुगू भी सो गया है, तो आज के ब्लॉग का एंड घर से ही करते हैं, ये दुकान से ही करते हैं। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है गाइस, नहीं फॉलो किए तो फॉलो कर लीजिएगा, यही अपना डेली रूटीन डेली ब्लॉग। तो आपको प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल, जय श्री राम, राधे राधे, गुड नाइट।